एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन लवर तनुश्री। एंड एज यू नो, मैं हूँ तनुश्री। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड टुडे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी कुछ फेवरेट लिपस्टिक्स, जो कि मेरी करंट फेवरेट भी है और बहुत दिनों से फेवरेट भी है कुछ लिपस्टिक्स। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मेकअप में और फैशन में लिपस्टिक एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है गाइस। और मुझे लगता है सारी गर्ल्स जो है उनमें से ज़्यादा गर्ल्स ही लिपस्टिक्स दीवानी तो है ही। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबके साथ, अपनी फेवरेट लिपस्टिक्स आप सबके साथ शेयर करने के लिए। सो इफ़ यू वांट टू नो देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाय क्लिकिंग द रेड बटन बिलो द वीडियो एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल बिसाइड दैट, सो दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लिपस्टिक मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, माई मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक, वो मैं आप सबके साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ, वो है ये वन, दिस वन। ये है लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड है सैफ्रन गॉसिप। और ये जो शेड है ना गाइस, आई लव दिस वन। मतलब जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, आई जस्ट वेयर इट। और डेली पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक शेड है, और समर से दिन आ रहा है, समर के लिए भी ये बहुत अच्छा एक कलर है, और आई जस्ट लव दिस वन। ये वाला कलर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मेरे पास था जो ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने दूसरा लिया, ये भी मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, ये मेरी सबसे फेवरेट लिपस्टिक है। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट लिपस्टिक था। सेकंड जो मैं बताऊंगी आप लोगों के साथ, वो है ये वाला। इस लिपस्टिक को पहले भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, और जितनी भी सारी लिपस्टिक मैंने आप सबके साथ शेयर की है उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो ये वाला जो लिपस्टिक है बहुत अफोर्डेबल एक लिपस्टिक है, ये हिलारी हुडा की लिपस्टिक है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पिंक इन कलर में है। इसका जो आउटर पैकेजिंग है पिंक कलर में है, कलर ओरिएंटेड लिपस्टिक है ये। इस वाले पिंक कलर ही आपको अंदर मिलेगा ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा इधर उधर हो सकती है, प्लास्टिक है ये इसलिए, लेकिन उस तरीके से है। अगर ब्राउन लिपस्टिक होता तो ब्राउन कलर का कवर था। इसी तरीके से ये जो सीरीज़ आया था हिलारी हुडा का, इसी तरीके से बनाया गया था। एंड ये मेरी बहुत फेवरेट है। सबसे पहले आप लोगों को कलर दिखा देती हूँ। दिस वन इज़ सो गुड। मतलब एक ऑरेंज शेड में, एक पिंक शेड में, ये दोनों कलर तो रहना ही चाहिए आपके लिपस्टिक की कलेक्शन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरी गाइस। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो इसकी है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ के अंदर आ जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी की एक लिपस्टिक है, क्योंकि ये बहुत देर तक बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छा एक मैट फिनिश लुक देती है। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो वो फर्स्ट था, ये मेरी सेकेंड फेवरेट। उसके बाद जो मैं थर्ड आप सब में शेयर करूँगी वो है ये वन। आप लोग देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये है ओरिफ्लेम के लिपस्टिक्स, ये मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। एंड इसमें ऐसा कोई शेड उस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, अगर था भी तो शायद वो मिट गया है, क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये। गाइस, ये मैट लिपस्टिक नहीं है बिल्कुल भी, ये एक ग्लॉसी फिनिश लिपस्टिक है। और ये इसका कलर है गाइस, एंड दिस इज़ सो गुड कलर गाइज। एक लाइटिश ब्राउनिश शेड पे है ये, और थोड़ा सा शिमर पार्टिकल के साथ आता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। लेकिन मैं आपसे कह सकती हूँ गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, आपकी लिप्स पे इतना कंफर्टेबल है कि क्या कहूँ, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ऊपर से ये कलर भी गाइज, ये कलर भी अगेन हर टाइप के आउटफिट के साथ, हर कलर के साथ मैच हो जाती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा एक कलर है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज। ये था मेरा थर्ड फेवरेट वन। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आप सब में शेयर करूँगी वो है ये वाला। ये है एलेक्टिन की लिपस्टिक, कलर पॉप मैट लिपस्टिक्स, और ये मेरा जो शेड यहाँ पे है वो है W13 इसका शेड। और ये कलर गाइस इतना ब्यूटीफुल एक कलर है, थोड़ा सा पर्पलिश टोन पे है ये। और ये वाला जो कलर है ना गाइस,
ये हार्ट टाइप के स्किन टोन में इतना ज़्यादा अच्छा जाता है कि क्या कहूँ। हार्ट टाइप के स्किन टोन में आप लोग इस कलर की लिपस्टिक को ड्राई आउट कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हार्ट टाइप के स्किन टोन में। तो ये मेरा नेक्स्ट फेवरेट वन है। उसके बाद मैं आप सब में शेयर करूँगी और एक लिपस्टिक जो अगेन आ जाता है हिलारी हुडा की तरफ से, और ये क्रेयॉन फॉर्म में आता है गाइस, और इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा प्रीटी है। तो इस तरीके से आपको इसे यू नो ओपन करना पड़ता है, इस तरीके से पीछे एक गोल्डन कलर का आपको बटन दिया हुआ है, और ये जो कलर है ये भी अगेन मैट फिनिश है ये वाला, और ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइट कलर है गाइस, यू नो ऑलमोस्ट वाइन रेड कलर आप लोग कह सकते हो, मेरूनी डीप मेरून कलर है ये, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है ये कलर लिप्स पे। यू नो आपकी लिप्स को ना ये बहुत ही मतलब ब्राइट बना देता है अप्लाई करने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। ये भी अगेन लॉन्ग लास्टिंग है, अफोर्डेबल रेंज पे लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक अगर आप ढूंढ रहे हो तो इसे ट्राई आउट कर सकते हो। ओके तो ये मेरा नेक्स्ट फेवरेट है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो है ये वाला, ये है लोरियल पेरिस की तरफ से, और यहाँ पे मेरा शेड है ब्राइट बर्गेंडी कलर। ये भी अगेन बिल्कुल मैट लिपस्टिक नहीं है, थोड़ा सा ग्लॉजी फिनिश के साथ है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन बहुत ही प्रीटी एक रेड कलर है ब्राइट बर्गेंडी कलर, जो बहुत ही ज़्यादा अगेन बहुत ही ज़्यादा हॉट लगती है। एंड यू नो व्हाट गाइस, कभी कभी मुझे ना मैट लिपस्टिक लगाने का मन नहीं करता है, तो मैं ग्लॉजी लिपस्टिक्स भी पसंद करती हूँ मैट के साथ साथ, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत ग्लॉजी लिपस्टिक तो रहना ही चाहिए, सिर्फ मैट रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये अगेन एक ग्लॉजी फिनिश लिपस्टिक है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है एक्चुअली, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट जो है ये भी है ओरिफ्लेम की तरफ से है, और ये एक्चुअली लिपस्टिक नहीं है, लिप लाइनर है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से लिपस्टिक का काम भी कर देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी है। ये भी अगेन थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश की साथ ही आती है, मैं आपको कलर दिखाती हूँ, दिस वन गाइस, ये भी अगेन बहुत ही ब्राइट एक रेड कलर है, थोड़ा सा मेरूनी शेड कलर आप लोग कह सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगता है, और ब्राइडल लुक के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है ऐसी कलर की ब्राइट लिपस्टिक्स। सो या ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो है वो है इस बॉक्स में से, ये जो पूरा बॉक्स है यही मेरी पूरा बॉक्स मेरी फेवरेट है, अभी कालीन फेवरेट आप लोग कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, और मैट फिनिश लुक देती है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जितनी भी कलर शेड्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा है सारे। और इसकी ऊपर मैंने अलग से एक रिव्यू वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारी कलर्स की स्वाचेस शेयर किए थे, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपको मिल रही है बॉक्स, लेकिन इस बॉक्स में से मेरा जो सबसे फेवरेट है वो ये दोनों शेड है गाइस, ये दोनों शेड। सबसे पहले इसके बारे में बात करती हूँ, इट इज़ सो प्रिटी गाइस, एक मॉविश पिंक टोन में है, और ये एक न्यूट शेड है गाइस, एक न्यूट शेड है, और एवरीडे पर्पस के लिए समर सीजन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये न्यूट कलर, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और नेक्स्ट जो है ये एक टोमेटो रेड कलर है, आप लोग देखो टोमेटो रेड कलर है ये वाला, लेकिन थोड़ा सा न्यूडिश शेड में आता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लगता है, लेकिन एक टोमेटो रेड फिनिश देती है, थोड़ा सा मैट लुक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा न्यूडिश है, सब मिलाकर ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है आपकी लिप्स पे गाइस, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये दोनों जो शेड है इस पूरे बॉक्स में से मेरी फेवरेट वन है, तो यही सारे कुछ मतलब यही दोनों बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, और यही सारे कुछ लिपस्टिक्स थे जो मैं आप सब में शेयर करने वाली थी। मेरी और भी ज़्यादा लिपस्टिक्स है, लेकिन ये ज़्यादा जो ये सारे जो मैंने आप सब में शेयर किया ये मेरी हाईली 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 फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये सारे लिपस्टिक्स, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसकी इसे वेयर करके कैसे लगेगा वो भी मैं आप सब में शेयर कर दूंगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप लोग आगे और भी लिपस्टिक्स की ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं इसकी पार्ट 2 बनाने के बारे में सोचूंगी, और आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी
भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हो गाइस. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय गाइस. अभी आप लोग देख लीजिए सारी लिपस्टिक की लिप्स वॉचेस.